हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ईच एटम कैरीज सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्स ई ओ फोर माइनस टू, एक्स ई एफ टू, एक्स ई ओ सिक्स माइनस फोर एंड ओ थ्री। तो मैं आपका पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर सेम नंबर ऑफ लोन पेयर है। तो अगर बात करें एक्स ई ओ फोर माइनस टू की, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स ई ओ फोर, और यहां पर अगर लोन पेयर मैं दिखाऊं तो इस ऑक्सीजन के पास तीन लोन पेयर प्रेजेंट है, और जबकि एक माइनस चार्ज भी है, और इस ऑक्सीजन के पास भी सेम तीन लोन पेयर है और एक माइनस चार्ज है। इस ऑक्सीजन के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही लोन पेयर है, और नीचे वाले ऑक्सीजन के पास भी सिर्फ दो लोन पेयर प्रेजेंट है, और एक्सी पर सिर्फ एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो, एक्सी पर अलग लोन पेयर है, इस दोनों ऑक्सीजन पर अलग लोन पेयर है, जबकि इस दोनों के ऑक्सीजन पर अलग लोन पेयर है, एक जगह पर एक जगह पर दो और एक जगह पर तीन। तो ये सेम नंबर में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर बात करें बी की, एक्स ई एफ टू की, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, एक्स ई एफ एक्सी जो है इसके पास तीन लोन पेयर रहेगा, जबकि दो शेयर करेगा, दोनों एफ से एक एक बॉन्ड बनाएगा, और तीन लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। एफ ई पर भी एफ पर भी तीन लोन पेयर रहेगा, और एक इसका एटॉमिक नंबर, इसके आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन होता है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एक्चुअली ये ऐसा ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर एफ ई पर भी तीन लोन पेयर है, और एक्सी पर भी थ्री लोन पेयर है, और इस एफ पर भी तीन लोन पेयर है। तो यहाँ पर हर एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी ही राइट आंसर है, बट हम लोग को सी और डी भी देख लेना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर सी में मैं आपको दिखाऊं, एक्स ई ओ सिक्स सी, एक्स ई ओ सिक्स फोर माइनस, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर एक्सी के पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं रहता, जबकि जितने भी ऑक्सीजन है जिस पर माइनस चार्ज है, सभी के पास तीन लोन पेयर प्रेजेंट है, और जहां पर भी डबल बॉन्ड का शेयरिंग हुआ है वहां पर दो लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट हर जगह पर नहीं है। और लास्ट अगर मैं बता दूं डी ओ थ्री की, ओजोन की अगर बात करें, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ओ तो इस पर माइनस चार्ज रहता है, तो इसके पास अपॉस तीन लोन पेयर रहेगा, और एक के पास प्लस चार्ज रहता है जो डोनर होता है, उसके पास एक ही लोन पेयर होगा, और जहां पर डबल बॉन्ड शेयर हुआ है वहां पर दो लोन पेयर रहेगा। तो यहाँ पे एक के पास एक लोन पेयर, दूसरे के पास दो, और तीसरे पे तीन। तो ये स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, बी एक्स ई एफ टू। तो एक्स ई एफ टू इज राइट आंसर। दैट्स ऑल, थैंक यू।